अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने गोंडवाना विद्यापीठ की विविध समस्या को लेकर शिक्षा मंत्री को निवेदन दिया। कोरोना से महाविद्यालय बंद है और विद्यापीठ परीक्षा भी ऑनलाइन पद्धति से ली जा रही है, फिर भी महाविद्यालय व विद्यापीठ पूरा शुल्क ले रही है। इसी पार्श्वभूमि पर महाविद्यालय के शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क, पार्किंग शुल्क, ग्रंथालय शुल्क, गणवेश शुल्क, विद्यार्थी विकास निधि आदि यह शुल्क माफ करे, शैक्षणिक शुल्क कम किया जाए। शैक्षणिक सत्र 2020 से 2021 इस सत्र में सभी विद्यापीठ परीक्षा ऑनलाइन ली गई, जिससे विद्यापीठ ने सीधे शुल्क भी विद्यार्थियों की ओर से लिया है। परीक्षा को कोई भी खर्च न आते विद्यापीठ ने पूरा शुल्क आकारा है, जिससे शासन ने दिशा निर्देश देकर यह शुल्क विद्यार्थियों को वापस लौटाए। गोंडवाना विद्यापीठ का परीक्षा शुल्क अन्य विद्यापीठ से ज्यादा है, जिसे वह कम किया जाए और हर वर्ष गोंडवाना विद्यापीठ गढ़चिरौली के परीक्षा शुल्क में 5% बढ़ोत्तरी का सीनेट अधिसभा और विद्या परिषद में पारित हुआ परीक्षा शुल्क बढ़ोत्तरी का निर्णय रद्द किया जाए और विद्यापीठ परीक्षा शुल्क यह निर्धारित किया जाए। महाराष्ट्र के विविध विद्यार्थियों के पिछले 2 वर्ष में विविध तरह के शिष्यवृत्ति और विद्यार्थियों को तत्काल शिष्यवृत्ति दी जाए। अनुत्तीर्ण विद्यार्थी और खुले प्रवर्ग के विद्यार्थी इनका शुल्क भी वापस लौटाए, साथ ही पिछले सत्र के परीक्षा शुल्क भी विद्यार्थियों को वापस लौटाए। उक्त सभी प्रश्नों का और निवेदन का जल्द से जल्द सकारात्मक विचार कर उसकी अमल बचावनी की जाए, अन्यथा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रशासन व विद्यापीठ विरोध में तीव्र आंदोलन करेगी, ऐसा इशारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चंद्रपुर ने दिया है। इस समय चंद्रपुर महानगर मंत्री शैलेश दिंडेवार, महाविद्यालय प्रमुख ऋषिकेश बनकर, रोहित खेड़ेकर, तंत्र शिक्षण प्रमुख अभ्युदय सिंह, विद्यार्थिनी प्रमुख रोहिणी ठाकरे, वैदेही मुड़पल्लीवार, अंजलि बैस, गुंजन हडगे, जिला संयोजक प्रवीण गिलबिले, दामोदर द्विवेदी इनकी उपस्थिति थी।